हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी कंट्री के लिए, यदि कंट्री डेवलप करना चाहती है तो बहुत ही एसेंशियल होती है। दो तरीके की आपकी कैपिटल पाई जाती है, एक फिजिकल कैपिटल होती है, दूसरा ह्यूमन कैपिटल होती है। फिजिकल कैपिटल मतलब जितने भी मशीनरीज, बिल्डिंग्स, प्लांट्स पाए जाते हैं उसे हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। और यदि आपके यहाँ का जो लेबर है वो स्किल्ड है, एजुकेटेड है, ट्रेन्ड है, तो आप कहें उसे ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल हो चाहे फिजिकल कैपिटल हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यदि किसी कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। और जितनी ज़्यादा हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगी, उतनी ज़्यादा ही फास्टर रेट से कोई भी कंट्री ग्रोथ करेगी। अब पहली चीज़ की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे हम। कैपिटल क्या है? कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक मतलब एक टाइम पर जो फिक्स होता है। तो किसी भी समय में हम यदि बात करें किसी इकोनॉमी के पास कितना स्टॉक है, किस चीज़ का, प्रोड्यूस्ड मींस का, प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जो मैन मेड है, जो आदमी ने प्रोड्यूस किए हैं, जो नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट के रूप में नहीं दिए बल्कि इंसान के द्वारा बनाए गए हैं और जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या कहलाता है? कैपिटल तो स्टॉक है, किस चीज़ का, कि प्रोड्यूस्ड मींस कितने हैं किसी समय पर किसी इकोनॉमी के पास। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि कितना आप स्टॉक ऑफ कैपिटल में ऐड करते जाएंगे। और इसको कैसे देखा जाता है? जनरली वन ईयर के टाइम पीरियड के लिए देखा जाता है कि एक साल में कितना कैपिटल स्टॉक में और ज़्यादा एडिशन हुआ है। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये लगातार चलता रहता है। जबकि कैपिटल कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट, जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम कहते हैं कि कितना स्टॉक अवेलेबल है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और फ्लो कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कि एक साल में या किसी गिवन टाइम पीरियड में कितना एडिशन हुआ है स्टॉक ऑफ कैपिटल में। तो कैपिटल आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है, कैपिटल फॉर्मेशन आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब ये कैपिटल फॉर्मेशन होगा कैसे? इसके लिए हमें सेविंग की ज़रूरत पड़ती है। सेविंग क्या है? जो आपकी इनकम का पार्ट आप कंजम्पशन पर खर्च नहीं करते उसको आप कहते हैं सेविंग। अब जितनी ज़्यादा हमारे पास सेविंग होगी उतने ज़्यादा हम कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतने ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, मशीन्स इंस्ट्रूमेंट्स खरीद पाएंगे, नए प्लांट्स लगा पाएंगे, नई तरह की कैपिटल आपकी जो इकोनॉमी है उसमें ऐड होती चली जाएगी। और आप कहेंगे कि आपका कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इस इंक्रीज को कैपिटल स्टॉक के ही हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, दो तरीके के कैपिटल फॉर्मेशन में आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। एक ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, दूसरा नेट कैपिटल फॉर्मेशन है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मतलब टोटल कितना स्टॉक ऐड किया गया है या टोटल आपके कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है एक टाइम पर। इसमें आपकी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी आती है और नेट इन्वेस्टमेंट भी आती है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है? देखिए, कुछ जब आप मशीन्स लगाते हैं तो टाइम के साथ वो कुछ ना कुछ डिप्रिशिएट होती चली जाती हैं, उनको ठीक करने पर आपका कुछ खर्चा आता है। तो जो ठीक करने पर खर्चा आए या पुरानी मशीन हो जाए उसको रिप्लेस करने पर जो खर्चा आए वो आपका रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जिससे आपके जो कंट्री में है कैपिटल स्टॉक उसमें किसी तरीके का कोई फर्दर एडिशन नहीं होता। प्रोडक्शन की कैपेसिटी सेम बनी रहती है, लेकिन क्योंकि कुछ मशीन्स आपकी पुरानी हो गई थी, आपने उन्हें रिप्लेस कर दिया है या उनके पुर्जे खराब थे तो आपने उनको रिप्लेस करके ठीक किया है, तो ये आपकी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है। नेट कैपिटल फॉर्मेशन की यदि बात करते हैं तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में से यदि आप किस चीज़ को डेप्रिशिएट, किस चीज़ को घटा दें, डेप्रिशिएशन को घटा दें, या आप कहें कि आप रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को घटा दें, तो आपके पास क्या आ जाता है? नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो इससे क्या पता चलता है कि कितना इंक्रीज हो रहा है आपकी नेट इन्वेस्टमेंट में। और जितना ज़्यादा नेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा ही आपके यहाँ पर स्टॉक ऑफ कैपिटल ऐड होगा, उतनी ज़्यादा ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी किसी नेशन की। जबकि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे थे, तो रिप्लेसमेंट
इन्वेस्टमेंट से किसी तरह की आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई इन्हांसमेंट नहीं होता, बल्कि ये पुरानी जो आपकी मशीन्स हैं उनको ठीक करने में ही काम आती हैं। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में क्या है कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में नेट इन्वेस्टमेंट भी है और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी है, और नेट कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आएगा, केवल नेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें किसी तरीके की कोई रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट या डेप्रिशिएशन आपका शामिल नहीं होता। फिर हम बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या रहेंगे, किस तरीके से प्रोसेस चलेगा कैपिटल फॉर्मेशन का। इसमें दो पहलुओं की हम बात करेंगे, एक तो हम बात करेंगे कि सप्लाई साइड ऑफ कैपिटल, दूसरी हम बात करेंगे डिमांड साइड ऑफ कैपिटल की। प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या है कि किस तरीके से आप एडिशन कर पाते हैं कैपिटल स्टॉक का, तो दोनों पहलू इस एडिशन के लिए जरूरी हैं, सप्लाई साइड भी और डिमांड साइड भी। तो सप्लाई साइड की पहले बात करते हैं, सेविंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका सेविंग्स को बढ़ाना और उसको मोबिलाइज करना। यदि आप क्या चाहते हैं, नए स्टॉक ऑफ कैपिटल को ऐड करना चाहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा स्पीड से, जितने ज़्यादा रेट से आप सेविंग करेंगे, उतनी ही ज़्यादा रेट होगी कैपिटल फॉर्मेशन की, और उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है यदि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग हो। क्योंकि यदि इंसान सेविंग करते हैं और अपने पास रखते हैं तो उससे किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, उसको मोबिलाइज करना होगा हमें थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे बैंक्स हुए। सेविंग्स जिनके पास होती है वो बैंक्स में जमा कराते हैं, और फिर फर्दर जिनको इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो बैंक से लोन ले लेते हैं। तो लोगों की इकोनॉमी में सेविंग बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू मोबिलाइज हो जाती है। यदि आप बात करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं सेविंग के, तो दो तरीके के सोर्सेज पाए जाते हैं, एक इंटरनल सोर्सेज होते हैं, दूसरे एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। पहले हम इंटरनल सोर्सेज की बात करेंगे, जिनको हम डोमेस्टिक सोर्सेज ऑफ सेविंग भी कह रहे हैं। डोमेस्टिक सोर्सेज का मतलब कि जो हमारे विद इन कंट्री हमें अवेलेबल होती है सेविंग्स, उसमें पहली जो हिस्सा है वो है वॉलेंट्री सेविंग्स का। वॉलेंट्री सेविंग्स मतलब जो इंसान अपनी इच्छा से सेव करता है वो वॉलेंट्री सेविंग कहलाती है, लेकिन ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनकम पर। यदि लेवल ऑफ इनकम किसी का ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सेव कर सकता है, यदि लेवल ऑफ इनकम कम है तो वो कम सेव कर पाता है। और जहाँ तक हम बात करते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, वहाँ पर लो लेवल ऑफ इनकम पाया जाता है, इसीलिए वॉलेंट्री सेविंग्स लो पाई जाती हैं। तो दूसरी सेविंग जो इस श्रेणी में आती है वो है फोर्स्ड सेविंग। फोर्स्ड सेविंग मतलब जो अपनी मर्जी से नहीं की जाती, लेकिन जिसको कानून के थ्रू फोर्स करके आपसे सेव करवाया जाता है वो फोर्स्ड सेविंग कहलाती है। ये कैसे हो सकता है, एक टैक्सेशन के थ्रू और दूसरा इन्फ्लेशन के थ्रू। टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन फोर्स सेविंग का एक बड़ा सोर्स हो सकता है। कैसे, कि सरकार यदि टैक्स बढ़ा दे तो आपको आपकी मजबूरी हो जाएगी वो टैक्स सरकार को पे करना, और आप अपनी कंजम्पशन को इसके लिए रिड्यूस करेंगे और सरकार को ज़्यादा टैक्सेस पे करेंगे। वो टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, बल्कि आपके थ्रू आप फर्दर किसी को पे करते हैं, और आप जिसको पे करते हैं वो फिर गवर्नमेंट तक आपके टैक्सेस को पहुंचाता है। कैसे, जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में बात करें कि गुड्स पर, मान लीजिए किसी गुड पर टैक्स लगा दिया गया, किसी गुड पर टैक्स लगाएंगे तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली इन्हांस हो जाएगा, और इन्हांस होगा तो जो आपका प्राइस है वो भी ज़्यादा उस गुड के लिए मांगा जाएगा। मान लीजिए 5 रुपए की पहले कोई गुड प्रोड्यूस हो रही थी, 2 रुपए का टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, एक्साइज टैक्स, कि आप ये प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट कहती है कि आप ये गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको 2 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। ऐसे में प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाती है, 5 रुपए की पहले उसे पड़ रही थी, 2 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं, टोटल 7 रुपए हो गए। तो जहां वो 5 रुपए की चीज को 7 रुपए में बेच रहा था, अब 7 रुपए की चीज को वो 9 रुपए में बेचेगा, तो जो 2 रुपए गवर्नमेंट ने बढ़ाए टैक्स के रूप में वो फर्दर कहाँ शिफ्ट कर दिए गए, बायर पर शिफ्ट कर दिए गए। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स था जो बायर से लिया गया और प्रोड्यूसर फिर फर्दर गवर्नमेंट को पे करता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों के थ्रू आप क्या करते हैं, फोर्स सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। दूसरी फिर जो बात है वो है इन्फ्लेशन एज अ सोर्स ऑफ फोर्स सेविंग, यानी इन्फ्लेशन के थ्रू भी फोर्स सेविंग हो सकती है। यदि आपके इकोनॉमी में सारी चीज़ें महंगी कर दी जाए, जनरल प्राइस लेवल राइज हो जाए, तो आपको
वही चीज़ जो पहले 5 रुपए में खरीद रहे थे वो अब 7 रुपए में खरीदेंगे, तो आपको अपने कंजम्पशन के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा पहले से, और हाई प्राइजेस के रूप में आप ज़्यादा पे करेंगे। इससे क्या होता है कि आप जो लो इनकम का सेगमेंट है वो ज़्यादा पेमेंट करता है, और ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? प्रोड्यूसर को होगा ऑब्वियसली, और हाई इनकम ग्रुप को होगा। तो लो इनकम प्रोपेंसिटी टू लो इनकम से, जिनके प्रोपेंसिटी सेविंग की भी लो होती है, ये कहाँ चला जाता है इनकम का हिस्सा? ऐसे लोगों के पास जिनकी इनकम हाई है और जिनके प्रोपेंसिटी हाई है सेविंग्स के लिए, और वो फर्दर इसको सेविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इस सेविंग से फर्दर वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इसके बाद है डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब सरकार भी अपना बजट बनाती है, और सरकार को कुछ एक्सपेंडिचर करने होते हैं, कुछ सरकार रेवेन्यू जनरेट करती है टैक्सेस के थ्रू। तो जनरली क्या होता है कि सरकार का अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है और उनके रेवेन्यू के सोर्सेज कम रहते हैं। ऐसे में सरकार को बजटरी डेफिसिट्स देखने पड़ते हैं, और इन डेफिसिट्स को फाइनेंस करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? नए नोट और नई करेंसी को प्रिंट कर सकती है, और उससे अपने एक्सपेंडिचर को पूरा कर सकती है। लेकिन ये जितने भी आप सोर्सेज देख रहे हैं, इनमें से कोई भी सोर्स आप ये नहीं कह सकते कि आपकी सेविंग के लिए ठीक ठाक सोर्स है, जिसमें किसी तरह की कोई खामियां नहीं पाई जाती हैं। क्योंकि यदि आप बात करते हैं फोर्स सेविंग की, तो फोर्स सेविंग को जनता पसंद नहीं करती। यदि आप बात करते हैं वॉलेंट्री सेविंग की, तो क्योंकि लो इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ वॉलेंट्री सेविंग काफ़ी लो रहती हैं। यदि आप बात करेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग की, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है कि सरकार अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए नए नोट तो प्रिंट कर देगी, लेकिन जैसे ही वो नोट इकोनॉमी में पहुँचेंगे, लोगों के हाथ में पहुँचेंगे, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और लोग नई चीज़ों की डिमांड करेंगे, जबकि प्रोडक्शन उस रेशियो में नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण आपको फर्दर इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो दूसरे सोर्सेज हो सकते हैं ये डोमेस्टिक सोर्सेज से, वो हो सकते हैं आपके एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सेविंग। एक्सटर्नल सोर्सेज जो मतलब आपके कंट्री में जनरेट नहीं हो सकते, जो बाहर से आप जनरेट करेंगे। तो पहला इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉरेन एड का। फॉरेन एड दो तरीके से आ सकती है आपके पास, लोन के रूप में भी और ग्रांट के रूप में भी। लेकिन फॉरेन एड, ये लोन या ग्रांट के रूप में यदि आप बात करें, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका क्या रहता है कि ये अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में डोनर कंट्रीज काफ़ी कम हैं, और जो लोन और ग्रांट चाहती हैं वो ऐसी कंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में आप कंप्लीटली नहीं कह सकते कि आपकी कंट्री को ये फॉर्म ऑफ एड मतलब लोन और ग्रांट मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। दूसरा, ग्रांट तो बहुत ही रेयर चांसेस है मिलने के। उसके बाद लोन्स की भी बात करें, लोन के एक तो चांसेस है कम है मिलने के, दूसरा यदि लोन मिल भी जाता है तो आपकी कंट्री के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट करता है, जो आपको रिटर्न करना ही करना है। इसके अलावा जब तक आप रिटर्न नहीं करेंगे, तब तक आपके ऊपर लोन के साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन भी बढ़ जाता है। फिर दूसरा जो आपका सोर्स है वो है टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्या, यदि आप बात करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्राइजेस के रिलेटिव रेशियो है, जो क्या बताती है? ये बताती है कि हम अपनी जो पर यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बदले कितना अमाउंट ऑफ गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो इम्प्रूव हो जाए यदि लेस डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में, तो आप सरप्लस जनरेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन यदि आप एक्चुअल सिचुएशन को देखेंगे, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में रहती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के जो इकोनॉमीज़ हैं, उनके पास कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, और वो अपने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी मार्केट में ला रहे हो, इस कारण भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हो सकती है। और हो सकता है कि उनकी जो गुड्स हैं वो लो प्राइस गुड्स हों, इसलिए भी उनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है। तो डेवलप्ड नेशंस के टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल रहते हैं, इसलिए डेवलप्ड जो नेशंस हैं
उनसे चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा चीज़ें अपनी जो चीज़ें हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करनी पड़ती हैं। यदि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो डेवलप्ड नेशन से कम चीज़ें इंपोर्ट हो पाती हैं, लेकिन जबकि उसे इंपोर्ट के लिए लेस डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हैं, इसीलिए भी आपके यहाँ पर एक जो अच्छा सोर्स हो सकता था सेविंग्स का, कैपिटल फॉर्मेशन का, वो पीछे रह जाते हैं आप उस मामले में कहीं। फिर बात करते हैं हम प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। अब प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, कुछ प्राइवेट लोग जो बाहर की कंट्रीज़ में हैं वो भी आपके यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे वेंचर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको किसी तरीके का कोई प्रॉफिट हो रहा होता है। और ऐसे में किसी एक सेगमेंट में या दूसरे सेगमेंट में, एक दो सेगमेंट में या कुछ सेगमेंट्स में आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ सकती है, लेकिन पूरी इकोनॉमी को एक पुश नहीं मिल सकता। पूरी इकोनॉमी में हर तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती है, और ये पूरी इकोनॉमी के लिए ओवरऑल जो कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके पहलू से यूजफुल नहीं होता। फिर है डिमांड फॉर कैपिटल। डिमांड फॉर कैपिटल दूसरी साइड है। अभी तक हम सप्लाई ऑफ कैपिटल की बात कर रहे थे, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए। डिमांड फॉर कैपिटल में बात होगी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है उसकी डिमांड भी होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में डिमांड हो पैसों की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। और ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है जो ज़्यादा रिस्क ले सकें, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज कर सकें, प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से ज़्यादा रिस्क ले सकें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिमांड साइड से आपको ज़रूरत है कुछ कैपेबल इंटरप्रेन्योर्स की। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में गवर्नमेंट भी ऐसा रोल प्ले कर सकती है इंटरप्रेन्योर का, और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ह्यूज मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। जैसे कि यदि आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, बेसिक इंडस्ट्रीज़ की, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन की, तो किसी भी कंट्री में सरकार इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर सकती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर यदि किसी भी कंट्री में फोकस होगा तो इन्वेस्टमेंट अपने आप क्रिएट हो जाती है, और अपने आप जिससे फर्दर प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है, सेविंग्स बढ़ जाएंगी और कैपिटल फॉर्मेशन और भी ज़्यादा हो सकता है। फिर हम बात करते हैं रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो ये कैपिटल फॉर्मेशन को हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, इस कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है? पहली चीज़ है, कैपिटल फॉर्मेशन इंश्योर्स अ सस्टेन्ड राइज इन आउटपुट, यानी कि आपके यहाँ पर यदि कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जितने ज़्यादा आपके यहाँ, दो तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, एक कैपिटल डीपनिंग हो सकती है, एक कैपिटल वाइडनिंग हो सकती है। कैपिटल वाइडनिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों को लगाना, तो जितने ज़्यादा मशीनें लगेंगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। दूसरा, कैपिटल डीपनिंग की आप बात करते हैं, कैपिटल डीपनिंग का क्या मतलब होता है कि आपको लेबर को पहले से बेहतर मशीनें उपलब्ध करानी हैं, और पहले से यदि बेहतर इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की मशीन्स होंगी तो प्रोडक्शन भी पहले से ज़्यादा होगा। दूसरा है, कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। अब हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन आपका कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जिससे अनप्रोडक्टिव फोर्स को आप ज़्यादा गेनफुली एम्प्लॉय कर पाएंगे। कैपिटल फॉर्मेशन से फिर टेक्निकल प्रोग्रेस को भी फायदा होता है। कैपिटल फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा होगी मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना चाहेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लोग कम कैसे कर सकते हैं? टेक्निकल प्रोग्रेस के थ्रू कर सकते हैं। तो लोगों को पता चलेगा कि टेक्निकल जो प्रोग्रेस है उसकी कितनी इम्पॉर्टेंस है किसी भी प्रोडक्शन के लिए। तो अब लोग क्या करेंगे, इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर किया जाएगा इन इनोवेशंस पर, और अल्टरनेटिव जो एफिशिएंट मेथड हैं उनको खोजने की कोशिश की जाएगी जिससे टेक्निकल प्रोग्रेस होगी।
फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी प्रमोट होती है। यदि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो एफिशिएंट जो आपकी मशीन है वो आएंगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, और एफिशिएंट मशीन और नई टेक्निक को संभालने के लिए आपको कैसी लेबर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो। तो फर्दर उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए यदि ऐसे लेबर की ज़रूरत है तो आपका जो प्रोड्यूसर है वो लेबर की ट्रेनिंग और एजुकेशन पर भी खर्चा करेगा, और जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फर्दर प्रमोट होगी। फिर है कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं। कोई भी पहलू यदि पहले होता है तो दूसरे को पुश करता है। मान लीजिए हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, यदि आपके यहाँ पर वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर पाया जाता है, किसी तरह की कोई ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स या पावर जनरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने आप आपके यहाँ पर अच्छे इन्वेस्टर्स आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ यदि आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं फॉरेन कंट्रीज से, आपके लोग भी, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे में सरकार के लिए नेसेसरी हो जाता है कि उनको अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। तो कैपिटल फॉर्मेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी पुश मिलता है। फिर है बात कि कैपिटल फॉर्मेशन से सेल्फ रिलायंस आता है। अब जितने ज़्यादा हायर इन्वेस्टमेंट होगी आपके यहाँ, जितने उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतनी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, उतने ज़्यादा आप सेल्फ रिलायंट बनेंगे, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ पर आपकी डिपेंडेंस जो है वो रिड्यूस होगी। आप फॉरेन असिस्टेंस के लिए नहीं देखेंगे बल्कि आप अपने यहाँ के सोर्सेज को ही मोबिलाइज करेंगे। कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होता है, फैसिलिटेट करता है किस चीज़ को, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, लेकिन उन नेचुरल रिसोर्सेज को भी आप पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते यदि आपके पास अच्छी कैपिटल नहीं है, अच्छी मशीन्स, अच्छी टेक्निक्स नहीं है, टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं है, आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेंगे, टेक्निकल प्रोग्रेस होगी, आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सोलर एनर्जी है, काफ़ी वाटर रिसोर्सेज हैं। ज़रूरत किस चीज़ की है कि अच्छी टेक्निक के साथ आप इन नेचुरल रिसोर्सेज को फुल्ली एक्सप्लॉयट कर पाएँ।